हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल चैनल। दोस्तों, 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट मिली है। यहाँ बैंक यूनियंस को इंश्योरेंस सेक्टर के यूनियंस का सपोर्ट मिला है और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ बैंक इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर यूनियन। यानी ये एक ऐसा ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन यानी AIBEA, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन AIBOA और ऑल इंडिया LIC एम्प्लॉय फेडरेशन ने मिलकर एक नई कमेटी बनाई है, जिसके साथ में GIC यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एम्प्लॉय यूनियन और न्यू इंडिया अश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया अश्योरेंस की भी एम्प्लॉय यूनियन ने मिलकर एक कंबाइंड कमेटी बनाई है, ताकि सरकार पे प्रेशर डाला जा सके कि वेतन समझौता और इन तीनों सेक्टर्स से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दे उनमें सुधार किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये जो कमेटी बनी है उसके जो चेयरमैन है वो CHV ही है, जो कि जनरल सेक्रेटरी है AIBEA के, और जो कन्वेनर है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की वो के गोविंदन है। के गोविंदन अभी जनरल सेक्रेटरी है जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉय ऑल इंडिया एसोसिएशन के। अभी 12 जुलाई को ये कमेटी बनी है और इन्होंने 13 जुलाई 2018 को एक प्रेस रिलीज निकाली है, जिसमें इन्होंने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि वेतन समझौता को बहुत ही जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज, जो गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया अश्योरेंस है, इनमें रिक्रूटमेंट जल्दी हो और एडिक्वेट रिक्रूटमेंट हो, यानी जो भी खाली सीटें हैं उन्हें जल्दी भरी जाए। साथ ही जो मुख्य कॉमन बिंदु है बैंकिंग और इंश्योरेंस के, जैसे फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट बिल, इसका प्रोटेस्ट करना, बैंक्स का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसका विरोध करना, GIC में जो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है उसका, और साथ ही बैंक में जो आउटसोर्सिंग की जा रही है और जो इंश्योरेंस सेक्टर, जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट कंपनीज है उनमें जो जॉब्स की आउटसोर्सिंग करी जा रही है उसको प्रोटेस्ट करना, उसका विरोध करना। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ता हुआ FDI लिमिट भी, इसको भी इन्होंने शामिल किया है और सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर ये सब नहीं हुआ तो वो एक एजिटेशन प्रोग्राम करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले है एक धरना प्रोग्राम है। उसके बाद में अगस्त 2018 के अंदर कहा गया है कि दिल्ली में एक नेशनल सेमिनार, एक कंबाइंड सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई सारी अलग अलग समस्याओं के बारे में सेमिनार किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और अगर गवर्नमेंट उसके बाद भी नहीं मानती है, अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं कर सकती है, तो दोनों सेक्टर मिलके एक कंबाइंड स्ट्राइक करेंगे, यानी बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों मिलके एक हड़ताल करेंगे, जो कि पार्लियामेंट, जो कि संसद के जो विंटर सेशन है, यानी दिसंबर 2018 में यह हड़ताल प्रस्तावित है, प्रेस रिलीज में ऐसा लिखा गया है। फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।